हेलो फ्रेंड्स, फिर क्या हालचाल है? ठीक ठाक से ओके। तो चलो क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2 क्या चालू था? हम यहां तक स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर दो में से थर्ड वन प्रॉब्लम एंड कर चुके थे। अभी फोर्थ वन, फिफ्थ वन एंड सिक्स वन, बस क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, दीज आर द टू क्वेश्चंस इंक्लूडेड इन द एक्सरसाइज 3.2। ओके, लिसन केयरफुली, दीज प्रॉब्लम्स डिपेंड्स अपॉन अलाइड एंगल। यू कैन यूज बाय यूजिंग अलाइड एंगल टेबल और बाय यूजिंग कंपाउंड फॉर्म आल्सो। फ्रॉम यस्टरडेज पीरियड आई हैव स्टार्टेड, हमने स्टार्ट कर दिए थे कंपाउंड एंगल का यूज करके हम कैसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो चलो आज का फोर्थ वन प्रॉब्लम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू से, एक्सरसाइज 3.2 में से। ओके, बात आई है समझ में? तो देखो, कोसेक ऑफ 90 माइनस एक्स, साइन ऑफ 180 माइनस एक्स, कॉट ऑफ 360 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय सेक 180 माइनस एक्स, टैन ऑफ 90 प्लस एक्स और साइन ऑफ माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हमें शो करना है वन। ओके, तो देखो बच्चों, आज के तीन प्रॉब्लम ही सॉल्व करके दिखाना है। यहां पे हम सीन्स बोल के एक-एक फॉर्मुलेटेड पार्ट समझा के देंगे विदाउट अलाइड टेबल, अलाइड ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल का यूज बिना करके। हम कोसेक 90 माइनस एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसे ए कंसीडर करेंगे, इसे बी, मगर कोसेक में कंपाउंड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब वन बाय साइन, इसका रिसिप्रोकल बना के लेंगे हम, बना लिए। तो चलो फिर इसे एक्सपेंड करना चाहते हैं वन बाय, इसे हम ए कंसीडर करे थे, एक्स को बी कंसीडर करे थे, साइन 90 कॉस एक्स माइनस कॉस 90 साइन ऑफ एक्स है, राइट? कॉस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 इनटू कॉस दैट इज कॉस, 1 बाय कॉस इज द वैल्यू ऑफ सेक, यस रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। बात आ गई समझ में? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से हम 90 की वैल्यू यूज कर रहे हैं, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 इनटू कॉस, कॉस डिनोमिनेटर में कॉस रहेगा, न्यूमरेटर में 1 है, 1 बाय कॉस का मीनिंग सेक कर दिए। तो चलो सेकंड वन कौन है? साइन 180 माइनस एक्स, इसे कंसीडर करने में कंपाउंड एंगल चॉइस करने आएगा 180 माइनस एक्स, 180 को हम ए कंसीडर करें और एक्स को हम बी कंसीडर करें, साइन 180 कॉस ऑफ एक्स, कंपाउंड एंगल एक्सपेंड कर रहे, माइनस एज इट इज, साइन में कंपाउंड फॉर्म में माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है प्लस आएगा, साइन के बारे में, कॉस के बारे में, कंपाउंड में प्लस है तो एक्सपोनेंट माइनस में, कंपाउंड में प्लस में है तो एक्सपोनेंट माइनस में आएगा। ओके, आगे क्या होगा? कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। देखो भैया, साइन 180 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से 0 है ना, राइट? बात आ गई समझ में? यस सर। cos 180 की वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, प्लस वन इंटू साइन, आंसर इज साइन, दूसरा कंपाउंड फॉर्म खत्म हो गया। cot ऑफ तीसरा कंपाउंड फॉर्म, जबकि कंपाउंड एंगल याद रहेंगे ना, अलाइड की भी जरूरत नहीं, उतना रिमेंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। cos 360 माइनस एक्स, यानी ए और बी एक्सपेंड दो, कॉस ऑफ 360 कॉस ऑफ एक्स
माइनस कंपाउंड है कॉस में तो वो एक्सपोनेंट प्लस में आएगा, साइन ऑफ 360 साइन ऑफ एक्स ये जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन 360 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में से जीरो है। कॉस 360 वन वन इंटू कॉस आंसर इज कॉस ऑफ एक्स। बस तीन फॉर्म हो गए न्यूमरेटर के, अब डिनोमिनेटर में की सेक सेक 180 माइनस एक्स कंपाउंड एंगल सेक के बारे में नहीं है तो इसका रिसिप्रोकल बनाया जाए। रिसिप्रोकल बना दिए हम, 180 को ए कंसीडर करेंगे और एक्स को बी, कॉस ए माइनस बी 1 बाय माइनस कॉस आएगा। ओके ठीक है, बात आ रही है समझ में। 1 बाय माइनस कॉस दैट इज माइनस सेक ऑफ एक्स, समझ में आ रहा है? तो चलो समझ में आ रहा है तो कमेंट्स नहीं करना, नहीं आ रहा है कमेंट्स दे दो यार। टेन 90 प्लस एक्स की वैल्यू साइन 90 प्लस एक्स बाय कॉस 90 प्लस एक्स है ना, साइन बाय कॉस कर दिया हम टैन के बारे में। नहीं सर ऐसा मत करो, टैन ए प्लस बी कंसिडर करो, टैन को ही कंपाउंड फॉर्म दिए वाले हैं प्रूफ के साथ, उसमें एक्सपेंड करो। नहीं करना कभी कभी भी नहीं करना। क्यों? टैन 90 की वैल्यू इंफिनिटी है, बात आ रही है समझ में? टैन इंफिनिटी की वैल्यू, टैन 90 की वैल्यू इंफिनिटी है, कहां पे देख लो, टेन ए टेन बी है ना, कॉस 90 की वैल्यू क्या बनती? जीरो बनती। फिर टेन 90 क्या हो जाता? इंफिनिटी हो जाता। इसलिए तो मत करो ऐसा बोल रहे हैं हम। कंपाउंड एंगल साइन बाय कॉस में ही करके लेना हमेशा के लिए, कौन सा भी प्रूफ रहने दो। साइन 90 कॉस एक्स यानी कॉस एक्स, कॉस 90 कॉस एक्स जीरो बन जाएगा, माइनस साइन 90 साइन एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, आंसर क्या आएगा? माइनस कॉट ऑफ एक्स आएगा। लास्ट वन है अपना आज का एक्सपर्ट, बहुत इजी है। साइन में एंगल निगेटिव होने के बाद रेशियो निगेटिव आता, किसी के बारे में निगेटिव नहीं आता, कॉस और सेक के बारे में नॉन वे वाला है। तो चलो एक दो तीन चार पांच छ, छ पार्ट यहाँ पे एलएचएस में पुट कर सकेंगे हम। कोसेक 90 माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? सेक एक्स इनटू साइन 180 माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिल गई? साइन एक्स। पुट करेंगे कॉट 360 माइनस एक्स की वैल्यू कॉट, सॉरी हम तो कॉस लिए थे, कॉट बनाना पड़ेगा, हम यहां पे लेके बनाएंगे, यहां का मिटा देंगे, गलती से कॉस हो गया था राइट। कॉट कैसे बनाया जाए यही तो हिंट है। कॉट ऑफ 360 माइनस एक्स यानी कॉस 360 माइनस एक्स बाय साइन 360 माइनस एक्स है ना, ये ए और बी कंसिडर करेंगे नेक्स्ट वन स्टेप में। कॉस 360 कॉस ऑफ एक्स यानी कि कॉस एक्स न्यूमरेटर से मिलेगा, साइन 360 कॉस ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा, माइनस कॉस 360 साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स जो भी है देख लो, एक्सपेंड करके देखेंगे। कॉस 360 कॉस एक्स माइनस ए कंपाउंड प्लस आएगा साइन 360 साइन एक्स डिवाइडेड बाय और साइन 360 माइनस एक्स साइन ऑफ 360 कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ 360 साइन ऑफ एक्स। देख लो आप साइन 360 की वैल्यू जीरो, साइन 360 की वैल्यू जीरो, वन वन इंटू कॉस दैट इज कॉस
यहां पे माइनस साइन ऑफ एक्स कॉस बाय साइन यानी माइनस कॉट ऑफ एक्स, चलो वैल्यू लिख दिया हम माइनस कॉट ऑफ एक्स। आगे बात समझ में, ओके डिनोमिनेटर सेक 180 माइनस एक्स, सेक 180 माइनस एक्स की वैल्यू माइनस सेक ऑफ एक्स लिख दिए, टेन 90 प्लस एक्स की वैल्यू माइनस कॉट ऑफ एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे कंफ्यूज नहीं होगा, माइनस कॉट ऑफ एक्स और साइन माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन ऑफ एक्स। देख लो अब माइनस माइनस कॉट माइनस, डिनोमिनेटर कॉट माइनस न्यूमरेटर चला गया, कौन बच गया सेक एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय माइनस सेक इनटू माइनस साइन, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस है ना वही राइट, साइन साइन रिजेक्ट कॉस कॉस रिजेक्ट, क्या गया आंसर वन खत्म। हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। कभी भी कंपाउंड एंगल नहीं भूलना चाहिए, इसका मीनिंग यही हो रहा हम पूरे के पूरे कंपाउंड पे ही सॉल्व करके दे रहे, इसका मीनिंग टेबल पे तो कोई भी करेगा, अलाइड एंगल टेबल पे तो कोई भी करेगा, एक तो कंपाउंड एंगल की प्रैक्टिस हो जाती, एक पूरी बात आपको समझ में आएगी और टेबल भी कैसे बना। आपके पास कोई हिंट है तो चलो देख लो, पहले देख लिए आगे चले। ओके अब फिफ्थ वन प्रॉब्लम क्या है देखेंगे आज, फिफ्थ वन प्रॉब्लम के बारे में क्या है दिए वाला, तो चलो फिफ्थ वन प्रॉब्लम बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, साइन क्यूब ऑफ पाई प्लस एक्स सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स टैन ऑफ टू पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर पाई बाय टू प्लस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स और कोसेक स्क्वायर माइनस एक्स इज देयर, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू टेन क्यूब ऑफ एक्स, टेन क्यूब दिखाना है, पूरे के पूरे रिजल्ट हम कंपाउंड फॉर्म से यहां पे लिखना चाहते हैं। पहला वाला साइन पाई प्लस एक्स है, पाई प्लस क्यूब नहीं लेंगे, क्यूब बना देंगे जो भी आउटपुट, साइन पाई कॉस एक्स जीरो क्योंकि साइन पाई की वैल्यू तो 180 की वैल्यू जीरो है, प्लस कॉस पाई साइन एक्स आंसर इज माइनस साइन ऑफ एक्स। सेकंड वन, सेकंड वन में सेक ऑफ पाई माइनस एक्स, सेक का कन्वर्शन वन बाय कॉस पाई माइनस एक्स करेंगे, कॉस पाई कॉस एक्स दैट इज माइनस कॉस ऑफ एक्स आंसर इज माइनस सेक एक्स, सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला क्या है टेन ऑफ टू पाई माइनस एक्स, टेन का कंपाउंड फॉर्म कई में कन्वर्ट करना, साइन बाय कॉस में साइन टू पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस टू पाई माइनस एक्स, एक्सपांड एक्सपांड आगे करेंगे, साइन टू पाई कॉस एक्स जीरो हो गई वैल्यू क्योंकि साइन टू पाई की वैल्यू यानी 360 की वैल्यू जीरो है, और माइनस कॉस टू पाई साइन ऑफ एक्स यानी कि माइनस साइन ऑफ एक्स, हम भी रॉन्ग हो सकते हैं आपका ध्यान होना, हम रॉन्ग भी हो गए यहां पे आने के बाद, क्या रॉन्ग हो रहा वो निकाल के दिखाएंगे आपको, होना तो सही रॉन्ग हमारा, कॉस टू पाई कॉस ऑफ एक्स दैट इज कॉस ऑफ एक्स साइन बाय कॉस यानी माइनस टेन ऑफ एक्स। थर्ड वन फॉर्मुलेटेड पार्ट की वैल्यू, फोर्थ वन नाउ कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स, कॉस 90 कॉस एक्स जीरो साइन 90 साइन एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स क्योंकि कंपाउंड फॉर्म प्लस में आउटपुट एक्सपॉइंट माइनस में आएगा। चलो फिफ्थ वन, फिफ्थ वन में क्या है साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन पाई कॉस एक्स जीरो हो जाएगा माइनस कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन कॉस पाई साइन एक्स आंसर इज साइन ऑफ एक्स। लास्ट वन सिक्स्थ वन है कोसेक
माइनस एक्स है ना, कोसेक माइनस एंगल होने की वजह से रेशियो माइनस हो जाएगा। चलो ये तीन वैल्यू हमारे तो चलो अभी लेट्स में पुट करेंगे वैल्यू, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन ऑफ एक्स होल क्यूब, सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस सेक ऑफ एक्स होल स्क्वायर, टेन ऑफ टू पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस टेन ऑफ एक्स। डिनोमिनेटर में से है क्या है कॉस 90 प्लस एक्स की वैल्यू माइनस साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू साइन ऑफ एक्स, कोसेक स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कोसेक ऑफ एक्स होल स्क्वायर कर दिए। ओके पुट करने के बाद माइनस का क्यूब माइनस आएगा, इसीलिए हम माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस ही आएगा है ना, प्लस लिख दिए माइनस नहीं लिखे, इनटू माइनस टेन ऑफ एक्स एज इट इज। डिनोमिनेटर अकेला है ना, वो स्क्वायर पावर पार्ट नहीं है इसके पास, माइनस साइन का स्क्वायर प्लस आएगा, साइन एज इट इज माइनस का स्क्वायर प्लस कोसेक का स्क्वायर आएगा। आर यू एग्री? यस सर, राइट। तो चलो भी क्या बनाया जाए, यहाँ पे स्क्वायर है, कोसेक का स्क्वायर मिलना मस्ट भी है ना, राइट सर। फिर आगे क्या करेंगे, क्या कन्वर्शन कर सकते हो? कर सकते। चलो नेक्स्ट वन स्टेप, माइनस इनटू माइनस, न्यूमेरेटर में दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस, साइन क्यूब ऑफ एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और टेन ऑफ एक्स, हमने माइनस उड़ा दिए क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जा रहा, साइन 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 स्क्वायर, एक कोसेक को रिसिप्रोकल बनाओ, वन बाय साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर रिजेक्ट हो जाता, क्या रहेगा यहां पे, साइन क्यूब ऑफ, देखो 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 एक बात है, यहां पे साइन स्क्वायर है ए स्क्वायर, साइन क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर उड़ गया इसमें का, एक साइन रह गया और है ना, साइन क्यूब ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक साइन, एक एक साइन और उड़ा दिए, यहां पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर बच गया, अभी कोसेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल बनाओ, वन बाय कॉस स्क्वायर है ना इनटू टेन ऑफ एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर तो कुछ भी नहीं बचा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर एक्स इनटू टेन ऑफ एक्स, आंसर इज टेन क्यूब ऑफ एक्स, फिनिश। देख लो पहले लास्ट वन प्रॉब्लम है आज का, चलो तो अब सिक्स्थ वन प्रॉब्लम क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन ऑफ 270 प्लस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा प्लस कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू जीरो। हर एक फॉर्मुलेटेड पार्ट कॉस थीटा एज इट इज कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी फॉर्मुलेटेड पार्ट नहीं है, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा क्या आएगा, साइन 270 कॉस थीटा है ना प्लस कॉस 270 साइन थीटा, साइन का एक्सपेंड, इसे ए कंसीडर करें इसे बी कंसीडर करें, साइन 270 की वैल्यू माइनस वन है, माइनस वन इंटू कॉस ये तो जीरो रहेगा, इसका आंसर माइनस कॉस थीटा। ओके फर्स्ट वन थी, दूसरा साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, साइन 270 कॉस ऑफ थीटा ये तो है ऊपर वाला ही फॉर्म, सेम मीनिंग सेम सब कुछ, माइनस है माइनस cos 270 sin of theta ये जीरो रहेगा, sin 270 माइनस वन इंटू cos माइनस cos, इसकी वैल्यू
माइनस क्रॉस लिया जाए, राइट। चलो फोर्थ वन क्या है, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा। चार के चार नहीं, तीन ही पार्ट, ये तो फर्स्ट वाला फॉर्मुलेटेड पार्ट नहीं है, LHS ले सकते अभी, cos थीटा प्लस साइन ऑफ 270 प्लस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा प्लस cos 180 प्लस थीटा लिख दिए। चलो इनके वैल्यू पुट अप कर दो कंपाउंड एंगल में से निकाले वाले, cos थीटा एज इट इज, इसकी वैल्यू साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस cos थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला माइनस एज इट इज, साइन 270 माइनस थीटा की वैल्यू भी और माइनस 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 प्लस कॉस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सभी उड़ गए तो आंसर क्या आता, राइट, जीरो, एंड हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। आने वाले नेक्स्ट वन लेक्चर में हम बहुत बढ़िया पार्ट लेके आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एलेवेंथ के लिए तो है, ट्वेल्थ के लिए भी है, आने वाले आपके लाइफ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब तक के लिए टाटा बाय।